हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रिकल चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल शॉक एट द ट्रांसमिशन लाइन, जो कि बेसिकली कंसर्न है कि लाइक हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे बर्ड्स सेट होती हैं बट उनको कुछ होता नहीं है, तो उसके बारे में है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल अभी है और सेम एग्जाम्पल ह्यूमंस के साथ भी लिया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सिंस इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने लास्ट अपने ओम्स लॉ वाले वीडियो पे डाला था, कि करंट फ्लो करने के लिए दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो जिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट, जिस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू करंट फ्लो होने वाला है, उसका पोटेंशियल, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल, और दूसरा कि उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का, पर्टिकुलर सिस्टम का रेजिस्टेंस। तो करंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वोल्टेज का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उस पर्टिकुलर सिस्टम के रेजिस्टेंस का। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट करस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट इन्वर्सली डिक्रीज होगा। तो एक एग्जांपल है ओम्स लॉ का। तो ये बेसिकली ये ओम्स लॉ पे ही डिपेंड करेगा ये जो टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिकल शॉक। तो यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल फेज न्यूट्रल भी है, पॉजिटिव नेगेटिव भी है, इनकेस ए सी या डी सी है। तो वोल्टेज है और ये रेजिस्टेंस है, या फिर जो भी इक्विपमेंट हम लोग ले सकते हैं, बल्ब या फिर बर्ड या फिर ह्यूमंस, तो उसका रेजिस्टेंस, और जो भी करंट है वो इसके थ्रू फ्लो करेगा। सो दैट इज द लाइक एम्पिरिकल फार्मूला। नॉर्मल फार्मूला तो पता ही है लोगों को, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग करंट के बारे में बात कर रहे हैं, वोल्टेज का नहीं, क्योंकि वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, बर्ड्स उस पर बैठे या फिर ना बैठे, तो दैट डजंट मैटर। ओके, तो सबसे पहला फैक्टर है, ओनली फैक्टर है, क्योंकि वोल्टेज तो एलिमिनेट हो गया, वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहने वाला है, तो रेजिस्टेंस पे काम करेगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस है। तो एज एन एग्जांपल ह्यूमन बॉडी को लेते हैं पहला। ओके, तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल यू नो बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, विदाउट लाइक अगर आप बेयर हैंड्स हैं, इक्विपमेंट को छू रहे हैं, आपने शूज नहीं पहना है, इन दैट कंडीशन बॉडी का जो रेजिस्टेंस रहेगा 1 kΩ रहेगा, दैट इज सॉरी 1 kΩ, हाँ या 1 kΩ वेट कंडीशन में, जब लाइक आपका भीगा हुआ है हाथ, या फिर स्वेटिंग है, या फिर कुछ लिक्विड को टच किए हैं जो कंडक्टिव है, लाइक सॉल्ट वाटर समथिंग, और या फिर आप रेनी सीजन में थे बाहर, तो मॉइस्चर रहेगा, इन दैट कंडीशन रेजिस्टेंस वैल्यू बॉडी का कम हो जाता है। और अगर आपका एम्बिएंट जो एटमॉस्फेयर है ड्राई है, समर का टाइम है, आपका बॉडी बिल्कुल ड्राई है, हैंड्स फीट्स बिल्कुल ड्राई है, इन दैट कंडीशन 100 ohms तक बॉडी का रेजिस्टेंस रहता है, 100 kΩ सॉरी। और इन केस ऑफ बर्ड्स वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। बर्ड्स का मतलब हुआ जो उनके लेग्स रहते हैं जिनसे वो लाइक ट्रांसमिशन लाइन को होल्ड करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस 1 mΩ तक रहेगा। ये इसलिए क्योंकि वो टोटली, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो टोटली इंसुलेटेड रहता है, लाइक इंसुलेटिंग टाइप रहेगा, उसके ऊपर कोई स्किन नहीं रहेगा, वो प्लास्टिक के जैसा दिखेगा आपको, तो उसका रेजिस्टेंस एज हाई एज 1 mΩ तक जाता है। ओके, दैट इज टोटली इंसुलेटेड। ओके, और ये चीज़ ग्रीन में इसलिए लिखा है क्योंकि मैक्सिमम जो ह्यूमन का कैपेसिटी है, लाइक बॉडी का कैपेसिटी, जो करंट फ्लोइंग कैपेसिटी है, इज 100 mA, दैट इज थ्रू द हार्ट। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आदमी को हार्ट, यू नो, अगर करंट इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा हुआ तो हार्ट, यू नो, इट विल वो फंक्शन करना बंद कर देगा और सडन डेथ हो सकता है। तो दैट इज अक्रॉस हार्ट हैंड्स या फिर लेग्स के थ्रू, तो ज़्यादा भी होगा तो वो पर्टिकुलर पार्ट, यू नो, बिकॉज ऑफ हाई फ्लो ऑफ करंट वो डैमेज हो जाएगा, बट मरेगा नहीं, बट थ्रू द हार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उस केस में डेथ होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ठीक है, पहले ह्यूमन के बारे में डिस्कस करते हैं, और सेकंड पॉइंट था रेजिस्टेंस को छोड़ के इक्विपोटेंशियल पॉइंट। ओके, तो इक्विपोटेंशियल का पॉइंट का मतलब ये हुआ, ये एग्जांपल मैंने इसके लिए लिया कि जस्ट इमेजिन अगर आप किसी पर्टिकुलर फ्लोर से गिर रहे हैं, जस्ट इन केस अगर कोई ऐसा कंडीशन हुआ और आपके सामने एक ट्रांसमिशन लाइन है, तो आप अगर अपने आप को सेव करना चाहते हैं तो होल्ड इट विद अ सिंगल हैंड। तो इस कंडीशन में लाइक अगर दो लाइन्स है, फेज या न्यूट्रल या फिर RYB का, इसको अज्यूम कर लेते हैं फेज एंड सॉरी इसको नो इसको फेज अज्यूम कर लेते हैं, ये फेज का लाइन है या न्यूट्रल का लाइन है।
तो इनकेस अगर वैसा कुछ कंडीशन है तो अगर आप सिंगल हैंड से उस रोप को पकड़े हैं और आप एयर में हैं तो ये आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आने पे करंट का फ्लो होगा नहीं, क्योंकि सिंस अगर ये नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन घर के बाहर का है, दैट इज 230 वोल्ट्स, ओके, तो इन दैट केस और इवन मे बी 440 430 वोल्ट्स, तो उस केस में आप सेफ रहिएगा बिकॉज इट इज इंसुलेटेड, एयर इंसुलेटेड है पूरा और आपका बॉडी कंडक्ट नहीं करेगा उस पर्टिकुलर करंट को। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, एच वी लाइन है, तब बचना मुश्किल है, क्योंकि वो इसका वोल्टेज इतना ज़्यादा होता है कि सराउंडिंग जो एयर है उसको ही आयोनाइज कर देता है, तो बॉडी फिर कुछ चीज़ नहीं उसमें। आपने एक साउंड भी सुना होगा, हमिंग साउंड, या फिर यू नो लाइक थोड़ा सा साउंड आएगा जब भी आप एस टी लाइन्स के अक्रॉस पास उसके उससे पास करेंगे, तो दैट इज़ आयोनाइजेशन ऑफ द एयर। तो एयर को आयोनाइज करता है तो आपका बॉडी भी उस केस में सेफ नहीं रहेगा। तो एल टी लाइन्स के लिए इट्स ओके, दैट इज द केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेस। बट अगर आप सेम ट्रांसमिशन लाइन को, ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है, अगर दोनों हाथ से होल्ड किए हो तो आपका करंट ऐसा फ्लो करेगा, फिर इस तरह से होके इस तरह से फ्लो करेगा और आपको सीवियर शॉक लगने का चांस है इफ यू आर होल्डिंग अ सिंगल लाइन, या फिर अगर आप इसी हाथ से दूसरे लाइन को पकड़े हैं तो उस केस में भी करंट फ्लो करेगा और आपको माइनर इंजरी से मेजर इंजरी होने का चांस, बहुत ज़्यादा शॉक लगने का चांस है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट सेफ। और ये कंडीशन तो बहुत ही लाइक यू नो कॉमन है, नॉर्मल घर पे काम करते करते हम लोग ऐसा होता है, हम लोग बेयर फुट नंगे पैर ऐसे काम कर रहे हैं और गलती से इलेक्ट्रिकल केबल को टच हुआ, तो यहाँ पे भी करंट फ्लो होगा, इस तरह से करंट फ्लो होगा, यू नो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट का जो बेसिक प्रिंसिपल है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। ग्राउंड का तो वोल्टेज लाइक यूनिवर्सली 0 वोल्ट माना गया है, तो और इसका 230 वोल्ट है, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा और आपको डैमेज करेगा, ये लाइक हैंड से लेकर यहाँ तक बॉडी, बॉडी से थ्रू लेग्स, और आपको एक माइनर या मेजर शॉक लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं बर्ड्स पे, बर्ड्स को यू नो शॉक क्यों नहीं लगता, तो छोटा सा एग्जांपल है। तो ये एक बर्ड है पिजन, जो सबसे कॉमन है, पिजन क्रो जो भी है, और इसका दो यू नो लेग्स ये ऐसा है जो कि इंसुलेटेड पार्ट है, और ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर वो भी इतना छोटा सा पार्ट, लाइक यू नो बर्ड्स का लेग्स देखें कितना छोटा सा होता है लाइक, तो उस पर्टिकुलर पार्ट का रेजिस्टेंस और बर्ड के बॉडी का रेजिस्टेंस एज इफ इसका रेजिस्टेंस और ये पर्टिकुलर टोटल रेजिस्टेंस, तो इस दोनों का रेजिस्टेंस ही अराउंड 2 मेगा ओम्स हो जाएगा, यू नो लेग्स का रेजिस्टेंस ऑफ बर्ड 1+1 दैट इज अराउंड 2 मेगा ओम्स, और इस पर्टिकुलर केबल का रेजिस्टेंस कितना ही हो सकता है, मैक्सिमम इस पॉइंट यू नो 0.1 ओम्स, क्योंकि केबल का साइज बहुत ज़्यादा होता है, थिकनेस ज़्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। तो सिंस इसका रेजिस्टेंस इतना कम हो गया और यू नो जो करंट का जो सबसे बेसिक फंडा है कि वो हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू फ्लो करेगा, जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस है वहाँ पे वो फ्लो करेगा, तो सबसे ज़्यादा कम रेजिस्टेंस यही है, तो करंट इधर तक जाने का ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि वही रीज़न है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया इस पार्ट का, तो इस तरह से फ्लो करने से बेटर है करंट यहाँ से डायरेक्टली फ्लो करता रहेगा और बर्ड्स को थोड़ा भी शॉक या फिर इंजरी कुछ नहीं होगा। तो सिंस करंट विल बी एब्सोल्युटली अराउंड 0 ओम्स, 0 ओम्स का मिली ओम्स भी नहीं रहेगा, मिली ओम्स भी हुआ तो बर्ड्स वहीं पे फेंट होकर मर जाएगा, तो दैट इज नो इफेक्ट ऑन द बर्ड। तो ये था हाउ टू बी प्रोटेक्टेड जब भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो इंसुलेशन का वैल्यू इसके लिए बहुत ज़्यादा है, हैंड ग्लव्स, एसटी हैंड ग्लव्स, एलटी हैंड ग्लव्स, या फिर एसटी मैट्स, जहाँ पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, घर पे भी काम कर रहे हैं तो स्लीपर्स पहन के काम कीजिए, क्योंकि एलटी वोल्टेज है तो माइनस का झटका लगता है, घर पे कुछ यू नो सॉकेट के साथ कुछ या फिर बल्ब के साथ कुछ काम कर रहे हैं, तो दैट्स ऑल। होप आप लोगों को कंसेप्ट ऑलरेडी पता ही होगा, बट इसके थ्रू और भी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ डू लाइक और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।